भागवत में कथा आती है कि भगवान कृष्ण को हृदय से लगाने का अवसर यशोदा मैया को बहुत मिलता है। श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर में मन में आए, देवकी के शरीर में रहे, नंद बाबा की उंगली पकड़े हाथ में, लेकिन यशोदा तो बार बार कृष्ण को हृदय से लगाती है। तो यशोदा के पास ऐसी कौन सी पुण्याई थी कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए और भगवान को यश देती जाए, जो बुद्धि वो यशोदा है और अपने प्रियतम भगवान को हृदय से लगाती जाएगी। मान मिला तो वाह प्रभु, तू मेरा विषाद दूर करने के लिए मित्रों के द्वारा मान दिला रहा है, और अपमान मिला तो वाह मेरे लला, मेरे लाल जी अपमान कराकर संसार की आसक्ति मिटाता है। हम जान गए बलमा की लीला, पहचान गए अपमान वाला करता रहे, लेकिन तू तो उसके साथ रमता रहे। दुख आए, रोग आए, बीमारी आए, पीड़ा आए, तो ये दुख आ रहे शरीर है और दुख का थैला है शरीर, मरने वाला है, इसकी आसक्ति मिटाने के लिए रोग पीड़ा और दुख भेजा है। लला मेरे ठाकुर जी, अरे मारा संवलिया सेठ, बस आपकी बुद्धि हो गई यशोदा। सासू ने डांट दिया है तो वाह वाह, सासू के द्वारा डांट खिलाकर मेरे मन की लापरवाही निकालना चाहता और करकसर का ज्ञान दिलवाना चाहता है, वारे वाह मेरे प्रभु। और बहू के द्वारा टेढ़ी आंखें देखती है तो ये संसार की आसक्ति मिटाने के लिए, और मैं सासू जी हूँ ये मिटाने के लिए, ममता मिटाने के लिए तू बहू की आंखें दिखवाता है, बहू की गहराई में तू लाला और सासू की गहराई में तू, ते मारा सांवलिया सेठ तारी लीला अपरंपारे मारा जगतनाथ जी। बेटा नहीं मानता है तो वैराग्य दिलाता है तेरी मेहरबानी, और बेटा अगर मानता है तो हमारा विषाद मिटाता है। तो मित्र देकर तू विषाद मिटाता है, प्रतिकूलता देकर तू आसक्ति मिटाता है। न आसक्ति अच्छी है, न खुशी अच्छी है, न मलहाल अच्छा है, प्रभु जो तू कर दे वो हाल अच्छा है। आपकी बुद्धि यशोदा बना दो भगवान के दुल्हारे, आपकी बुद्धि को यशोदा बना दो आज से, पक्का कर, इतना आप कर सकते। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे मान आए, चाहे अपमान आए, चाहे बीमारी आए, चाहे तंदुरुस्ती आए, चाहे धन आए, तो तू निर्धनता की पीड़ा मिटाने के लिए अब जरा छक्का लगवा रहा है। फिर निर्धनता की पीड़ा तो मिटाने के लिए धन दिया, लेकिन धन में आसक्त हो जाऊंगा तो तू धन के द्वारा इनकम टैक्स वाले का प्रॉब्लम भी बेच सकता है मेरे राम जी। मैं सावधान रहूं इसलिए तू कभी कभी कुछ कभी कुछ करता रहता है प्रभु। छोरो कछोरो है मावतर कमावतर नहीं, हम तुझे भूल गए लेकिन तू कभी नहीं भूलता है। हम अच्छा करते तो हमारे दिल का हौसला बढ़ाने वाले मेरे दिल भर देवता, और बुरा करते तो नालत बरसाता है। बरसात की ब्योछार से तो रेनकोट और छाता से हम बच सकते, लेकिन जब हम बुरा करते तो तू हमें अपना मानकर नालत बरसाता है, ये भी हमें पता है मेरे प्रभु। तो आपके दिल से अब आप मन को सीख नाम की पुस्तक पढ़ा करो, तो जो पहले इधर उधर के जरा घोर कर्म हो गए वो अब कटना लग जाए, और अब सत्संगी हो गए तो दिव्य कर्म करें आज से, पक्का कर लो, तो फिर लोग भी जाने के हाँ भाई इन्होंने सत्संग सुना। केवल सुनने का ही पुण्य नहीं, केवल स्वर्ग की यात्रा नहीं, इनको तो भगवत प्राप्ति का रास्ता मिल गया। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोकन वेदन अनुपाव, वैदिक कर्म करो, लौकिक कर्म कर करके सारी जिंदगी खपा दो, फिर भी सत्संग से जो लाभ होते हैं वो लौकिक वैदिक कर्मों के लाभ से बहुत कुछ आगे। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है प्रथम स्कंद में महात्म विभाग में, अश्वमेघ सहस्त्राणि बाजपे शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलानाहंति षोडिशम् हजार अश्वमेघ यज्ञ कर लो, सैकड़ों बाजपे यज्ञ कर लो,
लेकिन भगवत कथा के पुण्य के आगे उनका सब पुण्यों का मिलकर भी सोलमा हिस्सा भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजार अश्वमेघ यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का पुण्य भी आप जो भी सत्संग सुन रहे हैं उसके आगे सोलमे हिस्से की बराबरी नहीं कर सकता है। भारतीय सत्संग कितना ऊंचा है, भगवान धर्म वैद्य मंत्र के साथ तुम्हारे शरीर का भी ख्याल रखते हुए सत्संग चल रहा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। फिल्म वाले तो गाते नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। आप भी गाना, बुद्धि की बेवकूफी चुरा कर ले गई बापू की कथा और दे गई बढ़िया आराम। है नारायण हरि। बोलो कंजूसी काहे करी थो, की कर कंजूसी करो अंदात्री। नारायण हरि हरि अंदाता नारायण हरि। आपकी बात बात में बीच में भगवान का नाम लाओ, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का सुमरण की बराबरी और कोई साधन नहीं कर सकता। सतयुग में 12 साल की तपस्या, त्रेता द्वापर में 12 साल का यज्ञ व्रत से जो लाभ होता था, सत कलयुग में भगवान के नाम सुमरण मात्र से होता है।